was concerned that I should not be treated differently, so I was told to stay in an apprentice hostel, and I worked on the shop floor for 6 months in Telco, and then for a couple of years in Tisco on the shop floor. The one thing I had, which maybe is not so evident, is I had a terrific mentor in Japan. अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में चलते हुए, काम करते हुए, थकते हुए कई बार हमें ऐसा महसूस होता है या डर लगता है कि मंजिल मिलेगी या नहीं। ऐसे मौक़ों पर हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मोटिवेशन कहीं से भी आ सकता है। हो सकता है कि आप सेल्फ मोटिवेट हो जाए। जब कुछ ना मिले तो सफल लोगों की कहानियाँ पढ़िए। ये आपको न सिर्फ मोटिवेट करेंगी बल्कि विश्वास पैदा कर देंगे कि सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे ही सफल लोगों की कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिनका नाम है रतन टाटा। उनकी आंखों के सामने बिखर गए थे, लेकिन जज्बे और जुनून से रतन टाटा के कायम किए एक मिसाल। रतन टाटा की पूरी ज़िंदगी है मोटिवेशन। रतन टाटा वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जिस ऊंचाई पर आज हम रतन टाटा को देख रहे हैं, उसके लिए रतन टाटा ने न जाने कितने पापड़ बेले हैं। कई बार फेलियर हाथ लगी, लेकिन जिद और जुनून ने सफलता की बुलंदियों पर पहुँचा दिया। रतन टाटा ने ही कहा था कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईसीजी में सीधे लाइन का मतलब होता है डेथ। रतन टाटा की पूरी ज़िंदगी है मोटिवेशन। रतन टाटा की पूरी ज़िंदगी ही लोगों के लिए मोटिवेशन है। आप उनकी ज़िंदगी के किसी भी दौर को याद करें या कहानियाँ पढ़ेंगे तो एक अलग ऊर्जा मिलेगा। चाहे वो टाटा ग्रुप में आने के बाद लगातार फेलियर हो जाए या फिर स्टूडेंट लाइफ में अपनी दम पर पढ़ाई के लिए अमेरिका के रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम, कहा जाए तो मोटिवेशन के लिए रतन टाटा का नाम काफी है, तो ये गलत नहीं होगा। उनके आंखों के सामने बिखर गए थे सपने। वैसे तो टाटा कंपनी वर्षों से गाड़ियां बना रही थी, लेकिन सन 1998 में रतन टाटा ने कार लॉन्च करने का सपना देखा। यह रतन टाटा की ड्रीम प्रोजेक्ट था। रतन टाटा ने पूरी तरह देश में बने इंडिगा कार का लॉन्च की, लेकिन एक साल के अंदर यह फ्लॉप हो गई। रतन टाटा का सपना उनकी आंखों के सामने बिखर रहा था। इन्वेस्टर को बहुत नुकसान हुआ। उन्हें कुछ लोगों ने सुझाव दिए कि कार कंपनी बेच दे। उन्हें यह सुझाव ठीक लगा और वे कार कंपनी बेचने का प्रस्ताव लेकर फोर्ड कंपनी के पास गए। फोर्ड के चेयरमैन के बिहेवियर के लगा धक्का। वो कहते हैं ना कि जब कुछ बड़ा होना होता है तो उससे पहले बुरे वक्त का एक दौर चलता है। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के अधिकारियों के बीच 3 घंटे की मीटिंग चली। इसमें फोर्ड के चेयरमैन विल फोर्ड का बिहेवियर काफ़ी रूखा था। उन्होंने रतन टाटा को यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम्हें कार बनानी नहीं आती तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसा क्यों डाले। ये कंपनी खरीद कर हम तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इस तरह के बिहेवियर में रतन टाटा को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने बैठक में काफ़ी अपमानित महसूस किया। रतन टाटा ने डील छोड़ी और कंपनी के साथ वापस लौट आए और पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर लगा दिया। शब्द वही थे, बस हालात बदले हुए थे। यहाँ ऐसे रतन टाटा की किस्मत बदलने वाली थी। सालों की रिसर्च के बाद रतन टाटा ने इंडिका का नया वर्जन लॉन्च किया। शुरुआती झटके के बाद ये कारोबार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ समय बाद ये बेहद मुनाफे का बिजनेस साबित हुआ। वही फोर्ड कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर की वजह से काफ़ी घाटा झेल रही थी। 2008 आते आते कंपनी दिवालियों होने के कगार पर आ गई। टाटा ने दोनों को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे विल फोर्ड ने स्वीकार कर लिया। विल फोर्ड टाटा के मुख्यालय आए और रतन टाटा से कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे थे। शब्द कुछ उसी तरह के थे, बस हालात बदले हुए थे। रतन टाटा ने कहा, मैं फैसले पहले लेता हूँ, उसके बाद ही सही साबित करता हूँ। ऐसे उन्होंने कर दिखाया। रतन टाटा की तरह अगर आप में भी जीत पाला हुआ और ऐसा ही जुनून आपके सिर पर सवार रहा तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब आप भी सफलता की बुलंदियों पर होंगे। दोस्तों, थोड़ा सा भी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक दिल दिलाने के वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।